हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगासन के चैनल पे। दोस्तों, क्या आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप परेशान रहते हैं और आपका दिमाग एक जगह नहीं लगता है? तो दोस्तों, कई सारे रीजन हो सकते हैं आपके साथ जो कि घट रहे होंगे। सबसे पहली बात ये कि आज के समय में बहुत सारे लोग मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं और मेंटल डिप्रेशन का कारण होता है कि लोग अपने आप को समय नहीं दे पाते। जब आप अपने आप को समय देंगे, अपने आप को ये एनालाइज करवाएंगे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, तब जा करके आपको समझ में आएगा। आज मैक्सिमम लोग मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं और वीडियो स्किप करते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों को देखता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है उन वीडियो को देख करके आप खूब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और उस मोटिवेशन के दौरान आप कई सारे ऐसे काम कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है और फिर आप पछताते हैं। तो आप किसी भी वीडियो को देख करके इतना जल्दी मोटिवेट मत हो जाइए, बल्कि उसके पीछे के तत्व को समझिए, उसके फैक्ट को समझिए कि आखिरकार इस वीडियो का मतलब क्या है, किसके लिए है, क्यों है और कैसे है, तब जा करके आप मेंटल डिप्रेशन से बच पाएंगे। मेंटल डिप्रेशन से बचने के एक तरीका और है, वह ये है कि आपको प्रतिदिन योगाभ्यास करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और सही व्यक्ति को पकड़ना होगा। दूसरा, आपको अच्छे पुस्तकों का संग्रहण करना होगा, उसे पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतारना होगा। जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तब आप धीरे धीरे जो है बेहतर होने लग जाएंगे। मेंटल डिप्रेशन को कम करने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप किन परिस्थितियों में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और ये सब चीज़ें आती हैं तब जब आपके पास पिछला अनुभव होता है या पिछला ज्ञान होता है या फिर कहीं से आपने पढ़ा होता है, कहीं से सुना होता है या फिर किसी ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के साथ रहे होंगे जिन्होंने कि बहुत कठिनाइयों में भी अपने आप को संभाला होगा और बेहतर हुए होंगे और मेंटल स्ट्रेस से बहुत हद तक बचे होंगे। तो जब आपके पास पर्याप्त नॉलेज होगा तब उसी नॉलेज के बेस पर आप काम करेंगे, उसी नॉलेज के बेस पर आप मेंटल डिजीज से बच सकते हैं। वरना आपके पास लिमिटेड नॉलेज होगा, लिमिटेड चीज़ें होंगी, तो आपके पास जब समस्या आएगा तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास 2-3 लाख रुपये हैं और आप उन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं जो कि 2-3 लाख रुपये के अंदर आ जाता है, तो आप बहुत आसानी से खरीद लेंगे। और आप ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जो कि 5 लाख से ज़्यादा महंगा हो, तो आप उसे आसानी से नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। आप उसे पाने के लिए आप नए नए तरीके अपनाएंगे और नए नए दौर से गुजरेंगे और उन वजहों से क्या होगा कि जब इन कामों में बाधा आएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेंटल स्टेटस कुछ ऐसा ही है, आपके पास जितना नॉलेज होगा आप उस नॉलेज को उसी के अनुसार आप खर्च करेंगे अपने दिमाग को सही करने के लिए, यानी कि मेंटल डिजीज से बचने के लिए। तो वैसे ही जिस तरह से आपके पास धन होता है तो आप अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना खर्च कर पाते हैं, इमरजेंसी हो चाहे खुशी हो। उसी तरह से जब आपके पास नॉलेज पर्याप्त मात्रा में होता है तो आप खुशी से उन परिस्थितियों में अच्छे से काम कर पाते हैं और आप मेंटल डिसऑर्डर से बच जाते हैं और आप एक पागलपन के शिकार से बच जाते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग आज हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जब यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ों में जब समय बिताएंगे तो उनके पास खुद का समय होगा नहीं उस नॉलेज को अचीव करने के लिए, जिससे कि उन परिस्थितियों में अपने आप को बचा सके जब उनके साथ कई ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनका कि समाधान उनके पास उस समय नहीं होता है या किसी और के पास नहीं होता है, तब आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप उस नॉलेज बेस पे आप काम करते हैं और नए नए तरीके निकालते हैं और खुशी खुशी आप उस मेंटल प्रेशर को आने से पहले उसे लात मार के भगा देते हैं। तो इस तरह से आप मेंटल डिसीज से बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर। जब तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लाऊंगा जो कि साइकोलॉजी से संबंधित होगी और साइकोलॉजी के ऐसे बहुत सारे मजेदार बातें हैं जो कि आपके दिमाग को बूस्ट कर देगा, आपको मेंटल डिजीज से बचा देगा।